अभिनेता संजय दत्त कब लंग कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका जाएंगी और जल्दी इलाज कराकर वो भारत वापस कब लौटेंगी? फैंस बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो संजय दत्त ने अमेरिका में इलाज कराने से मना ही कर दिया। जी हाँ, संजय के डॉक्टर ने संजय के इलाज को लेकर बड़ी जानकारी दी। जाने तो जरा डॉक्टर ने संजय से ऐसा क्या कहा कि संजय ने बाहर इलाज कराने से मना कर दिया। उनके डॉक्टर ने बताया कि संजू ने अमेरिका के डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन लिया था, उसके बाद ही उन्होंने बाहर जाने का फैसला टाल दिया। डॉक्टर ने कहा कि जब संजय दत्त अस्पताल में आए तो उनका सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बेसिक ब्लड टेस्ट किए गए। उनके फेफड़ों में राइट साइड में जो पानी था उसको भी निकाल कर जाँच के लिए भेजा गया। उसके बाद तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर उनको डायग्नोसिस दिया गया। रिपोर्ट आने के 48 घंटे के भीतर ही संजय घर चले गए। हमने और भी कई जांचें की जिसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और कुछ ब्लड टेस्ट शामिल थे। हमने जो रिपोर्ट्स और डायग्नोसिस दिया था, जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल दिया, उसे लेकर उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो सेकेंड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट को अमेरिका भेजेंगे। आगे उन्होंने बताया कि अमेरिका से उन्हें जो सेकेंड ओपिनियन मिला वो हुबहू वही निकला जैसा इलाज हम देना चाहते थे। हालांकि उन्होंने कोकिला वैन में इलाज कराने का फैसला किया। हम जो डायग्नोसिस और इलाज देने वाले थे उसके स्टेप भी अमेरिका डॉक्टरों ने सेम टू सेम कहा। इससे ज्यादा मैं और नहीं कह सकता, वरना तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी होगा। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि संजय दत्त के लाखों चाहने वालों के लिए भी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि उन्हें कैंसर या किस स्टेज का है, वो नहीं कह सकता। संजय ने मुझसे ये जरूर कहा था कि ट्रीटमेंट लेने के बाद बची हुई फिल्मों की शूटिंग करनी है। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय ने फिल्मों की वजह से अमेरिका जाने से मना किया, या फिर सच में संजय को भारत में ही वो इलाज मिल रहा है जो अमेरिका में मिलने वाला था? मेलाम न्यूज रिपोर्ट।
आपको क्या लगता है, क्या संजय ने फिल्मों की वजह से अमेरिका जाने से मना किया, या फिर सच में संजय को भारत में ही वो इलाज मिल रहा है जो अमेरिका में मिलने वाला था? मिलम न्यूज़ रिपोर्ट।